चलिए पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो है वो इंस्टीट्यूट के ऊपर है कि इनमें से कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसने शीप पॉक्स वैक्सीन को डेवलप किया है। तो शीप पॉक्स वैक्सीन के जो को डेवलप किया है IVRI, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, ठीक है। शीप पॉक्स जो बेसिकली एक वायरल डिजीज़ है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि जिस भी डिजीज़ के पीछे पॉक्स लगा है वो हमेशा वायरल डिजीज़ होगी, चाहे वो गॉट पॉक्स है, ठीक है, चाहे वो फॉल पॉक्स है, चाहे वो हॉर्स पॉक्स है, चाहे वो रैबिट पॉक्स है, कोई भी पॉक्स है, ठीक है। कोई भी एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए पॉक्स लगा दे तो पॉक्स का मीनिंग ही एक वायरल होता है। तो डिजीज़ में ही उसका जो नाम है वो जो वायरल है, बैक्टीरियल है, वो भी रहता है, ठीक है। तो इसमें पॉक्स में बेसिकली क्या होता है कि एक एस टाइप रैशेज हो जाते हैं, ये पिम्पल्स टाइप हो जाएंगे पूरी पूरी स्किन के ऊपर, जिसमें क्या होगा कि उसकी जो हूल होगी उसकी क्वालिटी गिरेगी और इकोनॉमिकली फार्मर को लॉस हो जाएगा। तो जो शीप पॉक्स है ये बाकी सभी पॉक्स में सबसे ज़्यादा डेंजरस है, सबसे ज़्यादा ये सीवियर कंडीशन में आता है, ठीक है। तो इसका वैक्सीनेशन डेवलप किया IVRI ने और IVRI एस्टेब्लिश हुआ था 1889 में, ठीक है। और ये इसका करंटली जो है वो है इज्जत नगर UP बरेली, ठीक है, यूपी में ये करंटली एस्टेब्लिश्ड है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ब्लू टंग जो डिजीज़ है उसकी डायग्नोस्टिक किट के ऊपर है कि इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने ब्लू टंग जो डायग्नोस्टिक किट है उसे डेवलप किया। तो ये डायग्नोस्टिक किट बेसिकली है क्या कि ये एक ऐसी किट होती है, ठीक है, जिसमें फार्मर ये वाली किट का यूज़ करके अपने फार्म में पता लगा सकता है कि मेरे जो एनिमल हैं वो ब्लू टंग डिजीज से अफेक्टेड है या नहीं, ठीक है। तो ये बेसिकली जो ब्लू टंग है ये एक वायरल डिजीज़ है। आज से 10 से 12 दिन पहले ही ICR और IVRI दोनों ने मिलके 10 से 12 दिन पहले ही ये वाली डायग्नोस्टिक किट का डेवलप किया है और इंडिया वर्ल्ड में ये फर्स्ट कंट्री बनी है जिसने ये वाली किट को एस्टेब्लिश किया है, ठीक है। ये बेसिकली ब्लू टंग जो डिजीज़ होती है ये इंसेक्ट बाइट से ये वाली डिजीज़ फैलती है और सबसे ज़्यादा सीवियर अगर होती है तो वो होती है शीप में सबसे ज्यादा ये वाली ब्लू टंग जो डिजीज वायरल डिजीज है ये पाई जाएगी। ओके, अगला क्वेश्चन है लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम के ऊपर। ये अगला क्वेश्चन है, इसमें टोटली पूछा गया कि इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम है जो वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट नहीं है। तो इसका राइट आंसर है गोवा, ठीक है। गोवा के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम इंप्लीमेंट नहीं है और ये स्कीम जो है ये स्टार्ट की गई थी पायलट बेसिस के ऊपर 2005-06 में। पायलट बेसिस का मतलब ये है कि ये पूरी रेगुलर नहीं की गई है, बस एक एज ए पायलट देखने के लिए कि ये सक्सेसफुल होती है या नहीं, तो वो की गई थी। स्टार्टिंग में 100 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर ये स्कीम शुरू की गई थी और 2 से 3 साल बाद इसे रेगुलर बेसिस पे लॉन्च कर दिया गया। इसमें जो फार्मर होता है वो दो एनिमल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जो है बेनिफिट ले सकता है, ठीक है, पर बेनिफिशरी दो एनिमल ये स्कीम एप्लीकेबल है। ये स्कीम में अगर सब्सिडीज़ की बात की जाए प्रीमियम में तो 50% तक जो फार्मर को है वो प्रीमियम में सब्सिडीज मिलती है, ठीक है। जैसे PMFBY में 90% था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर 90% तक उसके प्रीमियम को सब्सिडीज़ करेगी, ठीक है, अगर फार्मर नहीं पे करता है, लेकिन इन केस ऑफ लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस में 50% तक एप्लीकेबल है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है ये हमारा प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट एक्ट के ऊपर है, ठीक है। ये एक्ट बनी थी 2001 में, ठीक है। तो ये वाली जो अथॉरिटी है इसके ऊपर है, ये क्या करती है कि जितनी भी वैरायटीज है उसका रजिस्ट्रेशन करना, उसको सर्टिफिकेट देना, उसको सबको कंट्रोल करती है। तो इसी में ये चीज़ है कि जो सर्टिफिकेट होता है रजिस्ट्रेशन का, ठीक है, वो कितने टाइम तक वैलिड रहेगा, कितने ईयर्स तक वैलिड रहेगा अगर ट्री एंड वाइन का कंडीशन है। तो ट्री एंड वाइन के कंडीशन में वो जो सर्टिफिकेट है वो 9 साल तक वैलिड रहता है, ठीक है। और अगर ट्री एंड वाइन से अदर क्रॉप का देखा जाए तो वो है 6 साल, ठीक है। इसे 3 साल कम रहता है अदर क्रॉप का, लेकिन एक में इसमें और कंडीशन होती है कि जो वैरायटी का टोटल पीरियड है, ठीक है, वो ट्री एंड वाइन के केस में 18 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 18 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अदर क्रॉप में वही पीरियड 15 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब वो वैरायटी 15 साल से ज़्यादा ओल्ड नहीं होनी चाहिए अदर केस में, और ट्री एंड वाइन में 18 ईयर से ओल्ड नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
सीड के रिलेटेड एक से दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो इसमें आपको बता दूं कि महाराष्ट्र एक ऐसा पहला स्टेट है जिसने सबसे पहले सीड सर्टिफिकेशन जो एजेंसीज हैं, सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, ठीक है, सबसे पहले एस्टेब्लिश हुई थी, वो हुई थी महाराष्ट्र में, ठीक है। तो टोटल इंडिया में 22 सीड सर्टिफिकेशन जो है वो है एजेंसीज हैं और सबसे पहले एस्टेब्लिश हुई थी महाराष्ट्र में। लेकिन कर्नाटका एक ऐसा स्टेट है जिसने ऑटोमनस जो एजेंसीज अपने बेसिस पे एस्टेब्लिश की थी, मतलब उन्होंने जो पहली सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी की थी वो खुद के रूल थे और खुद को ही वो गवर्न करते थे, कर्नाटका का अलग रूल था, ठीक है। तो अगर एग्जाम में ऑटोमनस बेसिस पे पूछा जाता है कि सबसे पहले ऑटोमनस जो सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज है वो किस स्टेट ने की, तो कर्नाटका, नहीं तो महाराष्ट्र। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इंक्यूबेशन पीरियड के ऊपर है, ब्रुसेलोसिस डिजीज कि इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है ब्रुसेलोसिस डिजीज का। तो इसका राइट आंसर है 30 to 60 days, ठीक है, 30 से 60 दिन, एक माह, 1 month से 2 month, ठीक है। अगर ऐसे भी आता है, घुमा के भी आता है कि 1 महीने से 2 महीना, ठीक है, इसका जो है वो इंक्यूबेशन पीरियड होता है। जो ब्रुसेलोसिस जो डिजीज है ये एक बैक्टीरिया डिजीज है। जो इंक्यूबेशन पीरियड होता क्या है कि जैसे कोई डिजीज है, ठीक है, वो सबसे पहले किसी एनिमल को अफेक्ट हुई, ठीक है, कि किसी एनिमल में उसका जो इन्फेक्शन है वो शुरू हो गया, जैसे आज वो डिजीज का जो है इन्फेक्शन है वो शुरू हो गया, लेकिन उसका जो सिम्टम है, ठीक है, वो हमें 2 महीने बाद दिखाई देता है। तो ये जो पीरियड है उसका इन्फेक्शन डे से लेके और उसका सिम्टम जो दिखाई देने का जो पीरियड होता है वो होता है इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। तो ब्रुसेलोसिस जो डिजीज होती है इसका 30 to 60 days होता है और इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है वो होता है ब्रुसेला अबॉर्टस, ठीक है, ब्रुसेला इसका अबॉर्टस ये होता है और इसके देखिए कॉजल ऑर्गेनिज्म से ही इसका साइन होता है, सिम्टम होता है, ठीक है, कि 6 month की स्टेज में, ठीक है, जब एनिमल प्रेग्नेंट होता है उसके बाद 6 month के बाद जो उसका फीटियस है, जो उसका एम्ब्रियो है, ठीक है, बेबी चाइल्ड है, ठीक है, वो क्या है कि अबॉर्शन हो जाता है, वो फेल हो जाता है, उसका लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो जो अबॉर्शन है इसके नाम से पता चल रहा है अबॉर्टस, ठीक है, तो ये इसका सिम्टम है, ये इसका साइन है। तो इसके नाम से भी अगर आपको ये याद रहता है अबॉर्टस तो इसका सिम्टम और साइन भी आपको याद रहेगा, ठीक है। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 30 to 60। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है ये लीड बैंक स्कीम के ऊपर है कि इनमें से कौन सा ऐसा स्टडी और कमेटी जो है उसने रिकमेंड किया था कि एरिया अप्रोच जो लीड बैंक स्कीम है उसे रिकमेंड किया था, ठीक है। तो एरिया अप्रोच होती है ये लीड बैंक स्कीम, इसमें ये होता है कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक बैंक को वो लीड करता है, ठीक है, वो सभी बैंक को लीड करेगा, उसको एक जिम्मेदारी सौंपी जाएगी कि इस एरिया में जो भी पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए स्कीम्स लाई जाएंगी, बैंक को आप इंडिकेशन दोगे, ठीक है, वो पूरा का पूरा वो बैंक उसको लीड करेगा, ठीक है। तो ये एक एरिया अप्रोच स्कीम होती है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में एक बैंक आपके जरूर होता है जो लीड बैंक होता है, ठीक है। तो इसको जो रिकमेंड किया था वो प्रोफेसर डी आर गडगिल, ये गडगिल स्टडी ग्रुप ये वाला है, ठीक है, जिसने इसे पूरा पूरा रिकमेंड किया था। और जो ये ऑप्शन है बी सेवारामन कमेटी, इसने किया था नबार्ड को, ठीक है, ये नबार्ड की कमेटी है। और नरसिम्हा जो राव कमेटी है ये है आरआरबी की, ठीक है, इसने आरआरबी को, ठीक है। और जो लीड बैंक जो स्टार्ट हुए थे, जो ये स्कीम शुरू हुई थी, ये हुई थी अक्टूबर 1969 में लीड बैंक जो स्कीम है ये शुरू हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी लीड बैंक स्कीम के ऊपर ही है कि इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट लीड बैंक स्कीम के अंदर सबसे ज्यादा है। तो वो है उत्तर प्रदेश। इसमें सिंपल है कि अगर आपको टोटल नंबर ऑफ लीड बैंक के पता है कितने हैं, 717 टोटल कितने हैं करंटली, अभी इस साल कितने हो गए, 717, पिछले साल कितने थे, 714, 3+ हुए हैं इस साल में, ठीक है। और इंडिया में टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 731, मतलब टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंडिया के 731 हैं 2019 में, ठीक है। और 717 में लीड बैंक स्कीम कवर हो गई है। और अगर आप बेसिक नॉलेज भी लगाओगे तो इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसके नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा है, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट में एक लीड बैंक स्कीम कंप्लीट है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो यूपी के टोटल डिस्ट्रिक्ट है 75, सबसे ज्यादा है, इसके लगभग 50 या 52 कुछ होंगे, ठीक है, मध्य प्रदेश नंबर 2 पे यही होता है। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इसी के हैं और अगर एक डिस्ट्रिक्ट में एक लीड बैंक है तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है वो सॉलिड नॉट फैट के ऊपर है कि इनमें से कौन से एनिमल के मिल्क में जो एवरेज कंपोजिशन है सॉलिड नॉट फैट की वो सबसे लीस्ट है, सबसे कम है, सबसे लीस्ट पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है कैमल, कैमल, क्योंकि जो फीमेल शीप है ठीक है उसमें सबसे ज्यादा पाई जाती है, सबसे हाईएस्ट अगर देखा जाए तो फीमेल शीप में और उसके बाद बफेलो के मिल्क में, ठीक है, नंबर दो पे सबसे ज्यादा इसमें पाई जाती है, और सबसे कम जो पाई जाती है वो पाई जाती है कैमल में, कैमल के बाद थोड़ा सा ज्यादा पाई जाती है गॉट में, गॉट के मिल्क में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आपको बिल्कुल बेसिक होते हैं जो आपको बिल्कुल ही आएंगे, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि इंडिजीनियस जो मिल्च है, ठीक है, इंडिजीनियस यहाँ पे बस कंडीशन ये है कि मिल्च बोला गया है, ठीक है, इंडिजीनियस मिल्च ब्रीड का पूछा गया है, ठीक है, और ऑप्शन में हमें दो में है, ठीक है, एक हेलिकर है और एक साहिवल है, लेकिन यह मिल्च का पूछा गया तो इसका राइट आंसर है साहिवल, ठीक है। हेलिकर एक ड्राउट ब्रीड है इंडिया का, ठीक है, इंडिजीनियस है लेकिन ये ड्राउट ब्रीड है, ये तीनों इंडिजीनियस है ही नहीं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है फ्राइसवाल प्रोजेक्ट के ऊपर है कि इंडिया में फ्राइसवाल जो प्रोजेक्ट है ये कब लॉन्च किया गया था, ठीक है, तो ये किया गया था 1989 में, और जो फ्राइसवाल जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, इसमें क्या था कि जो जो फ्राइसवाल है, अब अगर इसका क्रॉस देखें तो क्रॉस इसके नाम से ही पता चल रहा है, देखिए फ्राइसवाल, तो इसमें देखिए सबसे पहले जो आएगा वो आएगा होलिस्टन, ठीक है, होलिस्टन, ठीक है, होलिस्टन क्या होता है, फ्राई सियन, ठीक है, होलिस्टन फ्राइसियन, ठीक है। तो ये देखिए इसमें इसने क्या किया है, इसके नाम से देखिए अगर क्रॉस इसका आता है, होलिस्टन फ्राइसवन का क्रॉस कराया गया साहिवल से, साहिवल से, ठीक है। अब देखिए स्टार्टिंग के जो पांच वर्ड है वो लिए गए फ्राइस के, ये देखिए होलिस्टन फ्राइसियन के यहां ये वाले वर्ड लिए गए, ठीक है, एफ आर आई ई एस, ठीक है। उसके बाद इसके तीन लास्ट वाले वर्ड वाल, ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि साहिवल बाद में आएगा क्योंकि जो वाल है वो इसके फ्राइसवाल के पीछे है, तीन वर्ड इसके पीछे हैं, ठीक है, और जो होलिस्टन फ्रेशियन है ये पहले आएगा, क्योंकि अगर कंफ्यूज हुए इसका क्रॉस आया तो ये हो सकता है कि एच एफ, ठीक है, क्रॉस साहिवल, ठीक है, या साहिवल क्रॉस एच एफ, ये दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हो एग्जाम में, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो एच एफ है वो पहले आएगा क्योंकि इसका फ्राइस इसके नाम से पहले है, और जो वाल है वो साहिवल के लास्ट वाले तीन डिजिट हैं और ये पीछे है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो मुद्रा बैंक के ऊपर है, रीफाइनेंस एजेंसी, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें कोलेट्रल फ्री लोन पूछा गया, कोलेट्रल फ्री लोन पूछा गया मुद्रा के अंदर कितना है, मतलब कितना ऐसा रुपीज है जिसका किसी भी पर्सन को उसका कुछ भी कोलेट्रल नहीं देना पड़े, कोई भी सिक्योरिटी, सिक्योरिटी होती है जो जब वो लोन लेगा वो नहीं देनी होगी, ठीक है, तो वो है 10 लाख, 10 लाख तक मुद्रा जो है ये एप्लीकेबल होती है, और 10 लाख तक ये विदाउट कोलेट्रल जो है लोन होती है। इसमें तीन टाइप के जो कैटेगरी होती हैं, ठीक है, एक होता है शिशु, फिर होता है किशोर, और फिर तरुण, ठीक है, SKT, ठीक है। इसमें क्या होता है, शिशु, देखिए इंसान की अगर आप एज में देखोगे तो शिशु सबसे पहले स्टार्टिंग, और फिर किशोर, और फिर मेल अडल्ट, ठीक है, तरुण, तरुण भी कहते हैं। तो तीन कैटेगरी में डिवाइड होता है। जो शिशु लोन होती है ये होती है अप टू 50,000, ठीक है, 50,000, और जो किशोर लोन होती है ये होती है 50,000 से लेके 5 लाख तक, और जो तरुण होती है ये होती है अप टू 10 लाख, ठीक है। तीनों ही जो ये लोन होते हैं ये सिक्योरिटी विदाउट सिक्योरिटी होते हैं, ठीक है, कोलेट्रल फ्री होते हैं, ठीक है, और मैक्सिमम जो है वो 10 लाख इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन नबार्ड के ऊपर है कि नबार्ड के अकॉर्डिंग ग्रेडेड मुर्रा काफ का पूछा गया है कि ग्रेडेड मुर्रा काफ का स्पेस रिक्वायरमेंट कितना है अकॉर्डिंग टू नबार्ड, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर है 20 स्क्वायर फीट, याद रखिए यहां पे वैल्यू है वो स्क्वायर फीट में है, ठीक है, और यहां पे काफ का पूछा गया है। यहीं पे अगर बफेलो का पूछते कि ग्रेडेड मुर्रा बफेलो जो है उसका कितना जो रिक्वायरमेंट स्पेस है वो है 50, ठीक है, वो है 50 स्क्वायर फीट, ठीक है, ये है नबार्ड के अकॉर्डिंग स्क्वायर फीट में वैल्यू। अगर यहीं पे मीटर स्क्वायर में वैल्यू आए, ठीक है, आईसीआर के अकॉर्डिंग, तो वो होता है, एक होता है कवर्ड एरिया और एक होता है ओपन एरिया, ठीक है, तो कवर में रहता है 4 मीटर स्क्वायर बफेलो का, ठीक है, बफेलो का बता रहा हूं, बता बफेलो का, और ओपन में होता है 8 मीटर स्क्वायर, लगभग इसका डबल होता है ओपन में, ठीक है। तो यहां पे मीटर स्क्वायर में वैल्यू है, यहां पे स्क्वायर फीट में वैल्यू है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन
पपाया का एक्सपोर्ट का पूछा है कि इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जहां पे पपाया सबसे ज्यादा हाईएस्ट एक्सपोर्ट किया गया है 2017-18 में, तो उसका है यूएई। ठीक है, इसका देखिए पपाया सबसे ज्यादा कहां पे होता है, गुजरात में, गुजरात में सबसे ज्यादा इसकी प्रोडक्शन होती है। तो जो एक्सपोर्ट होगा, अब इंडिया का अगर आप मैप भी देखोगे तो ये यहां पे गुजरात है, ठीक है, तो यहां पे अगर सी पोर्ट के थ्रू भी एक्सपोर्ट होगा तो वो अरब कंट्रीज जो यहां पे होंगी, ठीक है, यहां पे अरब कंट्रीज जो है इंडिया के मैप में वहां पे सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने के चांसेस हैं। तो ऑप्शन में देखिए अगर नेपाल है तो नेपाल तो पॉसिबल ही नहीं है, पेरू काफी दूर है पॉसिबल ही नहीं है, और यूएसए ये तो बहुत ज्यादा दूर है तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ईरान और यूएई यहां पे अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो यहां पे आप एक 50% प्रोबेबिलिटी बनती है, ठीक है, पर इसका राइट आंसर है यूएई, यूनाइटेड एमिरेट्स ऑफ अर्थ। अगला क्वेश्चन है क्रूड पाम ऑयल का कौन में, इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें क्रूड पाम ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट रहा है पिछले साल, ठीक है, तो वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश चाहे वो क्रूड पाम ऑयल है, चाहे इसके नट्स का पूछा है फार्म के, चाहे इसके प्लांट का पूछा है, चाहे एरिया है, तो इन सब में जो लीड करता है वो करता है आंध्र प्रदेश, ठीक है। जो पाम ऑयल है ये बहुत ही इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वेजिटेबल ऑयल का इंपोर्टर है, ठीक है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वेजिटेबल ऑयल का इंपोर्ट इंडिया करता है, ठीक है, और पाम ऑयल इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। इंडिया ट्राई कर रहा है, मूव वगैरह जो स्कीम है वो लेके आया है, ठीक है, इसके लिए पाम ऑयल के ऊपर स्पेशल स्कीम्स लेके आया है, तो ये जो पाम ऑयल का डाटा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि फर्टिलाइजर का है कि फर्टिलाइजर कंजप्शन केजी पर हेक्टेयर कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड में है कि एग्रीकल्चर लैंड की जो है वो पर हेक्टेयर कौन सी कंट्रीज है जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट है फर्टिलाइजर कंजप्शन, तो वो है इजिप्ट। इजिप्ट का जो कंट्रीब्यूशन है सबसे ज्यादा है, ठीक है, इंडिया का है वो कम है, इतना ज्यादा नहीं है, तो इसका राइट आंसर है इजिप्ट। और सबसे अगर कम देखा जाए, लीस्ट देखा जाए, तो वो है नेपाल। नेपाल एक हिली कंट्रीज है, ठीक है, तो यहाँ पे फर्टिलाइजर या कंजप्शन इतना ज्यादा नहीं होता। अगर लीस्ट का आता है तो नेपाल, हाईएस्ट आता है तो इजिप्ट। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि एवरेज मंथली जो इनकम है वो सबसे ज्यादा लीस्ट है एग्रीकल्चर हाउस होल्ड की, कि मंथली जो एवरेज इनकम है वो लीस्ट है सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर की। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए पंजाब पॉसिबल नहीं है, हरियाणा पॉसिबल नहीं है, तमिलनाडु पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन में दो रह गए हमारे पास, बिहार और झारखंड, तो इसका राइट आंसर है बिहार। बिहार में जो एवरेज मंथली इनकम है वो सबसे ज्यादा लीस्ट है एग्रीकल्चर हाउस होल्ड की, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मानधन योजना का, ठीक है, ये वाली योजना है, ये फार्मर जो एप्लीकेबल है, एलिजिबल है, वो कितनी एज के बीच बीच वो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो वो है 18-40 ईयर, ठीक है, 18-40 ईयर वाला फार्मर है वो उसके एलिजिबल है। और ये स्कीम 2019 से स्टार्ट हुई है, ये एक पेंशन स्कीम है। अगर ये स्कीम को कोई भी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए है, अगर कोई भी स्कीम को ये फार्मर अडॉप्ट करता है तो उसे 60 ईयर के बाद 3000 रुपए तक का उसे पेंशन उसकी मिलेगी। चलिए आगे आगे क्वेश्चन है, पीएच के ऊपर क्वेश्चन है, ये कोकोनट के यहाँ पे पीएच पूछी गई है कि ऑप्टिमम रेंज पूछा गया, ऑप्टिमम रेंज पीएच का कोकोनट का पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है 5-8, ठीक है, 5-8 कोकोनट का इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में फैक्टर पूछे गए हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो अफेक्ट नहीं करता, ठीक है, साल्ट अब्जॉर्प्शन में प्लांट में, कि साल्ट अब्जॉर्प्शन में इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो अफेक्ट नहीं करेगा, तो पीएच भी करेगा, टेम्परेचर भी करेगा, लाइट भी करेगी और ऑक्सीजन भी करेगी, तो ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं होता जो अब्जॉर्प्शन में प्ले रोल ना करे, ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव अफेक्टिंग फैक्टर। चलिए अगला क्वेश्चन है मॉडलिंग के ऊपर क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन में इसके अगर थोड़ा सा आप देखोगे तो बेसिक क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है कि प्लांट में जो ये देखिए प्लांट का जो सरफेस है वो मार्क होता है कलर स्पॉटर से, ठीक है, ड्यू टू द एंथोसिनानिन पिगमेंट्स, जो एंथोसिनानिन पिगमेंट है उसकी डेफिशिएंसी से जो कलर स्पॉट बन जाते हैं, ठीक है, वो मार्क हो जाते हैं, तो उस टाइम की कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं मॉडलिंग, क्योंकि यहां पे अगर आप देखोगे डाईबैक पॉसिबल नहीं है, फायरिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है, निक्रोसिस ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे एंथोसिनानिन पिगमेंट की बात हो रही है, ठीक, कलर स्पॉट की बात हो रही है, तो आती है बात ब्राउनजिंग में और मॉडलिंग में। ब्राउनजिंग में ये होता है कि अगर आप मॉडल का मीनिंग भी देखोगे तो वो होता है स्पॉट, ठीक है, स्पॉट इसका मीनिंग होता है कि कोई भी कलर स्पॉट होना उसे कहते हैं मॉडल, तो इसके नाम से ही इसको पता चल रहा है। ये होती है ब्राउनजिंग, जैसे कोई भी लीफ है उसके ऊपर इस टाइप की ब्राउनजिंग हो जाएगी ये वाली, ठीक है, तो ये ब्राउनजिंग होगी। और मॉडलिंग में क्या होता है कि ये स्पॉट होंगे, इस टाइप के स्पॉट होंगे, ठीक है, इस टाइप के स्पॉट होंगे। ब्राउनजिंग पूरी पूरी लीफ पे थोड़ा 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 ऐसे जो है ये बन सकती है, ठीक है, इसे ब्राउनजिंग कहेंगे और ये मॉडल।
बिनोलियम वैरायटी के ऊपर क्वेश्चन है कि बिनोलियम जो वैरायटी है वो कौन से स्टेट में ग्रो की जाती है, इंडिया के, और इसका राइट आंसर है गोवा। गोवा के साथ ये महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के जो कोस्टल एरिया है वहां पे भी ये बिनोलियम वैरायटी को सबसे ज्यादा ग्रो किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अमराफली मैंगो हाइब्रिड के ऊपर है, इसका क्रॉस पूछा गया है कि इसका क्रॉस क्या है, तो ये क्रॉस मेरे ख्याल से सबको याद ही होगा क्योंकि एक दो क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक आ जाते हैं, और इसका जो सिंपल है DNA, ठीक है, दशहरी, नीलम और अमराफली इसका आया, ठीक है, तो DNA इससे आप याद रख सकते हो, इसका राइट आंसर है DNA। अगला क्वेश्चन नारी शक्ति पुरस्कार के ऊपर है कि वुमेन पावर अवार्ड के ऊपर है, ठीक है, इंडिया में नारी शक्ति जो पुरस्कार है वुमेन के लिए सबसे ज्यादा हाईएस्ट ये सिविलियन अवार्ड होता है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है, पिछले बार एग्जाम में भी इसका पूछा गया था, और ये वुमेन के लिए मानो कि सबसे ज्यादा प्राउड वाला अवार्ड है, सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, इसी ऊपर वुमेन के लिए कोई भी अवार्ड नहीं है, तो नारी शक्ति जो अवार्ड है, ठीक है, उसका कैश प्राइज यहां पर पूछा गया, उसका कैश प्राइज कितना होता है, और वो होता है 1 लाख, वो होता है 1 लाख इसका जो कैश प्राइज होता है, और ये इंटरनेशनल विमेन डे 8 मार्च को ये अवार्ड दिया जाता है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और इसका जो एस्टेब्लिश जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1999 में ये वाला जो अवार्ड है इसे शुरू किया गया था, और इस साल का जो अवार्ड मिला है वो मिला है डॉक्टर सीमा राव को, ठीक है, और ये वाला अवार्ड हर साल मिलता है, और पहले इस अवार्ड का नाम था सत्री शक्ति पुरस्कार, ठीक है, ये 1991 में शुरू हुआ था, उसके बाद 1999 में इसका नाम चेंज करके इसका नाम रखा गया नारी शक्ति पुरस्कार, और वुमेन के लिए ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इंडिया का माना जाता है। जो क्वेश्चन है म्यूटेशन ब्रीडिंग का क्वेश्चन है, इसमें गामा रेज म्यूटेंट वैरायटी का पूछा गया है कि गामा रेज के द्वारा वीट की इनमें से कौन सी ऐसी वैरायटी है जो सोनारा 64 से डेवलप की गई, तो इसका सोनारा 64 से डेवलप की गई है, ये है शरबती सोनारा, ठीक है, ये इसके द्वारा डेवलप की गई और ये गामा रेज से डेवलप की गई थी। अदर म्यूटेशन ब्रीडिंग का अगर देखा जाए तो म्यूटेशन ब्रीडिंग से इंडिया में 5-6 क्रॉप्स की एक एक दो दो वैरायटी डेवलप की गई थी, ठीक है, जैसे कॉटन में देखा जाए तो इंदौर 2 जो कि एक्सरे के द्वारा डेवलप की गई, ठीक है, और वीट में यही देखा जाए तो NP 836 ये एक्सरे के द्वारा डेवलप की गई थी, ठीक है, ये किस वैरायटी से की गई, NP 799 से, और वीट में दूसरी जो वैरायटी है शरबती सुनारा ये गामा रे से और ये एक्सरे से, दोनों अलग अलग डेवलप की गई थी, ठीक है, और राइस में देखा जाए तो जगन्नाथ जो कि एक्सरे से डेवलप की गई थी और ये T141 से डेवलप की गई थी। शुगर केन में देखा जाए शुगर केन में CO8152 गामा रे से की गई थी, CO527 से, और वहीं पे टबैको में बात करिए तो जयश्री वैरायटी ये केमिकल म्यूटेजन से की गई, ये सबसे अलग है, ये केमिकल म्यूटेजन से की गई, अगर एग्जाम में ऐसा आता है कि इनमें से कौन सी ऐसी क्रॉप है जिसकी वैरायटी केमिकल म्यूटेजन से डेवलप की गई थी तो वो है टबैको में केमिकल म्यूटेजन यूज किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है, अगले क्वेश्चन में हमारा इंस्ट्रूमेंट का पूछा गया है कि जो इंस्ट्रूमेंट हार्डी ब्रांचेस की कटिंग के लिए और अदर वुडी श्रब्स की कटिंग के लिए यूज किया जाता है, श्रब्स भी यहां पे वुडी बोला गया है, ठीक है, और यहां पे कटिंग का हार्डी ब्रांचेस को बोला गया है, मतलब सिंपल है कि कोई भी जो हमारा आगे इंस्ट्रूमेंट आने वाला है, ठीक है, वो हार्डी के लिए और वुडी श्रब्स के लिए सुटेबल होना चाहिए, ठीक है, तो यहां पे इसका राइट आंसर है बिलुक जिसे दराप भी कहते हैं, ठीक है, और एक है स्केचर, ठीक है, जो कि कैंची टाइप होता है, ये प्रूनिंग और ट्रेनिंग के ज्यादा काम आता है, और लदार ये सीढ़ी और जो एक सीढ़ी होती है, ठीक है, एज ए आप स्टेयर कह सकते हो, ठीक है, और ट्रवल खुरपी, ये खुरपी तो वैसे भी यहाँ पे काम आने वाली है नहीं है, तो ये दोनों तो कैंसिल यहीं से हो जाते हैं, ठीक है, कन्फ्यूज आप दो में हो सकते हो, तो दो में से बिलहुक इसका राइट आंसर है दरात, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्योंकि हमें जो ऑपरेशन के टाइम, ठीक है, हर टाइप का प्लांट में ऑपरेशन करना पड़ता है, ठीक है, कई उसकी हार्डी ब्रांचेस को भी रिमूव करना पड़ेगा कई ऑपरेशन के टाइम पे, तो उस टाइम पे बिलहुक को यूज में लिया जाता है, जो श्रब्स होती हैं उनके भी हार्डी ब्रांचेस रिमूव करनी, उनकी कटिंग, उनको शेप में करना, हर टाइप का उसमें ऑपरेशन में यूज होता है, तो बिलहुक का यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। हाँ, अगर एग्जाम में प्रूनिंग और ट्रेनिंग का पूछा जाएगी, प्रूनिंग और ट्रेनिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कौन सा है, और वो है स्केचर, इसे नर्सी मैन का सबसे इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है, ठीक है, सबसे ज्यादा, क्योंकि ये प्रूनिंग और ट्रेनिंग दोनों में काम होता है, ठीक है, और ये दोनों तो वैसे भी आने वाले नहीं है। और हाँ,
अगर एग्जाम में ये आता है कि रूट स्टॉक, जैसे रूट स्टॉक का आप सबको पता ही होगा, ठीक है, कि रूट स्टॉक की लॉपिंग करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, तो वो किया जाता है स्केचर, क्योंकि ये बहुत ही एक छोटा इंस्ट्रूमेंट होता है और रूट स्टॉक देखिए ज्यादा से ज्यादा हमारा इतना होगा। और इसकी लॉपिंग कैसे होगी, लॉपिंग क्या होता है कि 40-50% या 30-40% जो उसकी अदर जो छोटी छोटी साइड वाली, ठीक है, जो ये वाली लाइक एक छोटी छोटी जो ब्रांचेस होती हैं इनको कट किया जाता है, ठीक है, उनको पूरा साफ किया जाता है, ठीक है। तो ये 30 पूरे के पूरे प्लांट को लॉपिंग में कट नहीं करते हैं, उसकी साइड वाली ब्रांच को थोड़ा उसके अब मैक्सिमम 40-50% उसको रिमूव करते हैं, तो उस केस में भी स्केचर को यूज किया जाता है। लेकिन याद रखना कि लॉपिंग इन रूट स्टॉक की बात हुई है, रूट स्टॉक की बात हुई, पूरे प्लांट की लॉपिंग इससे आप नहीं कर सकते क्योंकि ये एक बहुत ही छोटा इंस्ट्रूमेंट है। अगला जो अपना क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन वीट की वैरायटी के ऊपर है। इसमें ये बोला गया है कि दो टाइप की जो वीट होती है, एक होती है विंटर वीट और एक होती है स्प्रिंग वीट, ठीक है। स्प्रिंग वीट बेसिकली मैक्सिकन वीट होती है, जो मैक्सिकन वीट होती है जो इंडिया में मैक्सिमम एरिया में ग्रो की जाती है, और विंटर जो वीट होती है ये रशियन वीट होती है, ठीक है। दोनों की क्लाइमेटिक कंडीशन वगैरह अलग होती है, रिक्वायरमेंट अलग होती है, लेकिन जो इन दोनों का क्रॉस करा के, ठीक है, एक वैरायटी तैयार की गई, और उस वैरायटी का नाम क्या है, ठीक है, और इन दोनों के क्रॉस से वैरायटी तैयार की गई, वो की गई वीरी वैरायटी, इन दोनों के क्रॉस से तैयार की गई। अगला क्वेश्चन इकोनॉमिक लाइफ के ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे ऑयल पाम का इकोनॉमिक लाइफ पूछा हुआ है, जो पहले भी आपको कोई ना कोई लेक्चर करंट के लेक्चर में या कहीं पे समझाया होगा, ठीक है। जो ऑयल पाम का जो इकोनॉमिक लाइफ होती है वो होती है 30 ईयर। इकोनॉमिकली लाइफ बेसिकली क्या होती है कि ये एक प्रोडक्टिव लाइफ होती है, इसके बाद भी ऑयल पाम प्रोडक्शन करेगा लेकिन इकोनॉमिकली नहीं माना जाएगा, तब हो सकता है कि वो कम प्रोडक्शन करे। इकोनॉमिकली लाइफ जो ऑयल पाम की है वो 30 ईयर, ठीक है, और इसी से डबल होती है कोकोनट की, और वो होती है 60 ईयर, ठीक है। ऑयल पाम की कोकोनट से हाफ होती है, यह बात याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर के ऊपर है, ठीक है, कि देखिए पिछली बार एग्जाम में दो क्वेश्चन आए हैं, दोनों के दोनों ही इतने इजी क्वेश्चन थे कि अगर थोड़ा सा भी अगर आप राइट माइंडसेट के साथ उसे पढ़ लेते या उस टाइम पे आप उसे अटेम्प्ट करने में थोड़ी सी भी एक्यूरेसी दिखा जाते तो भी आपका क्वेश्चन वो सही हो जाता। ये क्वेश्चन यहां पे थोड़ा सा आपको टफ लगेगा लेकिन एग्जाम में जो ऑप्शन थे वो बहुत ज्यादा इजी थे, ठीक है। जैसे देखिए यहां पे ये है कि यहां पे पूछा गया है ग्रीन हाउस बेस्ड शेप बेस्ड पूछा गया है कि इनमें से कौन सा शेप बेस्ड है। तो देखिए जो वुडन फ्रेम स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये कभी शेप बेस्ड हो नहीं सकता क्योंकि वुडन से क्या होता है, कंस्ट्रक्शन होगी। और जो ट्रस फ्रेम है, देखिए इसमें भी फ्रेम वर्ड यूज हुआ है, तो ट्रस फ्रेम भी टाइप ही होता है, ठीक है, एक चीज का जैसे टाइप करके वाइंड करके फ्रेम तैयार किया गया, ठीक है। ये भी देखिए फ्रेम वर्ड है, यहां पे फ्रेम है तो दोनों बाहर हो गए, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब प्लास्टिक फिल्म है, प्लास्टिक से क्या होगा, चीज कवरिंग वाला होगा, ठीक है, तो ये भी बाहर हो गया। तो मीडियम कॉस्ट ग्रीन, ये भी बाहर हो गया। अगर आपको कुछ भी याद नहीं है तो थोड़ा सा भी बेसिक नॉलेज से ये वाला राइट आंसर है, एवन स्पान टाइप ग्रीन हाउस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें टेक्निक का पूछा गया है कि इनमें से कौन सी ऐसी टेक्निक है जो ग्रीन हाउस में पॉसिबल नहीं है, ग्रीन हाउस के कल्टीवेशन में पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ग्रीन हाउस कल्टीवेशन में हर टाइप की जो है टेक्निक है वो पॉसिबल है, क्योंकि ग्रीन हाउस भी कई टाइप के होते हैं, तो ये भी इन्वायरमेंट के स्ट्रक्चर के उसके कवरिंग मटीरियल के हर टाइप का ग्रीन हाउस हमारे पास होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए कल्टीवेशन ऑफ फील्ड क्रॉप पॉसिबल है, हाइड्रोपोनिक बिल्कुल पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे सोयल लेस कल्चर है तो ग्रीन हाउस में पॉसिबल कर सकते हैं, ठीक है। एरोपोनिक भी पॉसिबल है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक्स, ये भी पॉसिबल है, तो ऑल ऑफ द गिवन टेक्निक आर पॉसिबल। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनमें आप सिंपल अपना खुद का लॉजिक लगा के इसे आप डिकोड कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है मल्टीपल और कंपोजिट फ्रूट के ऊपर है, ठीक है। तीन टाइप के फ्रूट होते हैं हमारे पास, तो यहाँ पे मल्टीपल और फ्रूट्स जो कंपोजिट फ्रूट है उसका पूछा गया है कि ये प्रोड्यूस जो राइप होते हैं ओवरी से, ठीक है, और सेवरल फ्लावर्स, ठीक है, और क्राउडेड ऑन द सेम इन्फ्लोरेसेंस। तो इनमें से कौन सा ऐसा फ्रूट है जो क्या है कि मल्टीपल फ्रूट का एग्जाम्पल है। बेसिकली तीन टाइप के हमारे पास फ्रूट होते हैं, एक होता है सिंपल फ्रूट, ठीक है, एक होता है सिंपल फ्रूट, एक होता है एग्रीगेट, ठीक है, और तीसरा होता है मल्टीपल, ठीक है। तो जो भी फ्रूट होता है वो उसके फ्लावर से बनता है, ठीक है। जैसे सिंपल फ्रूट है ये सिंगल ओवरी से बनता है, सिंपल जैसे पीच हुआ, हमारा एप्पल हुआ, जो नॉर्मल टेम्परेट वगैरह जो भी नॉर्मल होते हैं मैक्सिमम में यही होता है सिंपल फ्रूट। एग्रीगेट होता है, ठीक है, जैसे रसबरी इसका एग्जाम्पल है। एग्रीगेट में क्या होता है कि एक फ्लावर की सेवरल ओवरीज होती हैं, ठीक है, उससे फ्रूट बनता है।
ठीक है। और जो मल्टीपल फ्रूट है ये सेवरल फ्लावर से बनता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये सेवरल फ्लावर से बनता है मल्टीपल फ्रूट, ठीक है। इसका जो एग्जांपल है जैसे मलबेरी हो गया, मलबेरी इसका राइट आंसर है। उसके साथ पाइनएप्पल, पाइनएप्पल भी मल्टीपल फ्रूट का एक टाइप है, ठीक है। ये एक फ्रूट ऐसा होता है, ये जो ओवरीज होती है, सेवरल ओवरीज होती है, उनके राइप होने के बाद जो सेवरल ओवरीज हैं, ठीक है, और जो सेवरल फ्लावर्स हैं उनकी सेवरल ओवरीज हैं, उनके राइप होने के बाद ये वाला फ्रूट क्या है, डेवलप होगा, ठीक है। तो इन्हें कहते हैं मल्टीपल या कंपोजिट, नाम से पता चल रहा है फ्रूट। तो मलबेरी इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं, अगला जो है इसमें यह है कि इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो कि अगर लैंड कॉस्टली है हमारे पास, ठीक है, और वेरी फर्टाइल है, लैंड कॉस्टली है और वो बहुत ज्यादा फर्टाइल है, तो वहां पे एम्पल ऑफ अमाउंट हमारे पास है इरिगेशन वाटर, इरिगेशन जो वाटर है वो बहुत ज्यादा है, तो कौन सा सिस्टम जनरली फॉलो किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर है हेक्सागोनल सिस्टम, ठीक है। हेक्सागोनल जो सिस्टम होता है 15% ज्यादा प्लांट हम लगा सकते हैं सुकेयर सिस्टम से, ठीक है। सुकेयर सिस्टम से ज्यादा प्लांट लगाते हैं और इसमें स्पेसिंग है वो कम हो जाती है, तो इसमें 15% ज्यादा प्लांट लगाएंगे सुकेयर सिस्टम से, और जहां पे लैंड कॉस्टली और फर्टाइल होती है वहां पे ये वाला सिस्टम अडॉप्ट किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका पता ही होगा, ठीक है। इसमें सिंपल पूछा है कि इनमें से हॉर्टिकल्चर कौन सी ब्रांच है जो फ्रूट क्रॉप को कह दे कि इंडिकेट करती है, तो है पोमोलॉजी, ठीक है। ओलेरिकल्चर वेजिटेबल, फ्लोरिकल्चर फ्लोर फ्लावर्स का, स्पाइसीज का पता ही है आप सबको, और पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी का पता ही है। आगे चलते हैं, अगले वाले में पूछा है कि इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है, कौन सी ऐसी आर्ट है जहां पे प्लांट का एक पार्ट को दूसरे प्लांट में इंसर्ट करते हैं और एक्सपोज करते हैं, ठीक है, और उनको आगे दो प्लांट को मिला के, दो प्लांट के यानी कि प्लांट का एक हिस्सा ये लिया और दूसरा हिस्सा हमें ये वाला लिया, ठीक है। तो ये दोनों हिस्सों को मिला के एक प्लांट जिसमें हम बनाते हैं उस आर्ट को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ग्राफ्टिंग, ठीक है। ये भी बेसिक क्वेश्चन है, तो एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आपको बेसिक जरूर मिलते हैं। चलिए आगे है कि इनमें से कौन सी ऐसी फिशिंग बोट है, फिशिंग बोट का क्वेश्चन एक बार 2018 में पूछ लिया गया था, ठीक है, कि कौन सी ऐसी बोट है जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में पाई जाती है, ठीक है। तो ये है खटामरन, खटामरन जो है ये उड़ीसा में पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है और मोस्टली जो साउथ के स्टेट्स हैं सब में ये पाई जाती है, ठीक है। खटामरन के साथ साथ एक नोवा, नोवा भी एक ऐसी बोट है जो दोनों स्टेट में कॉमन पाई जाती है, तो इन सब का भी एक पूरा ही एक्सप्लेन आपको वीडियो दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं, आगे ये है कि रिसेंटली आरबीआई ने जो लिमिट है एग्रीकल्चर कोलेट्रल फ्री लोन की वो चेंज की है, तो वो अभी करंटली कितनी है, तो उसका राइट आंसर है 1.6 लाख, ठीक है, 1,60,000 कर दी है, ठीक है। कि फार्मर को एग्रीकल्चर लोन के लिए 1,60,000 तक अगर वो लोन लेता है तो उसे कोई भी सिक्योरिटी नहीं देनी है, कोई भी अपने जमीन के कागज नहीं देने हैं, कोई भी उनको अदर सिक्योरिटी नहीं देनी है, तो ये टोटली कोलेट्रल फ्री लोन है और इसकी रिसेंटली चेंज किया है, पिछले साल चेंज किया था और यह है 1,60,000। अगला क्वेश्चन है, ये रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर है, ठीक है, कि आरबीआई के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर कोई लोन लेता है प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर तो उसकी मैक्सिमम एप्लीकेबल लिमिट कितनी होगी, मैक्सिमम एप्लीकेबल लिमिट कितनी होगी, ठीक है। तो इसकी है 150 मिलियन, ठीक है, 150 मिलियन। अगर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का पूछा जाए तो 50 मिलियन, ठीक है। जो रिन्यूएबल का है ये सोशल से तीन टाइम ज्यादा है, तीन से मल्टीप्लाई करना है आपको सोशल को रिन्यूअल से, ठीक है। रिन्यूअल का 150 मिलियन लगभग ये 15 करोड़, ओके, अगर करोड़ में आता है तो 15 करोड़, ठीक है, क्योंकि ये याद रखिएगा 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है एमएसएमई के ऊपर है, ठीक है, कि एमएसएमई, ठीक है, स्मॉल मीडियम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, ठीक है, जो छोटे व्यापार, ठीक है, जो है उनका जो एक्ट बनाई गई थी उनको एक्ट के अकॉर्डिंग उनको बांटा गया था कि कोई इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग कैटेगरी बनाई गई थी, ठीक है, कोई मैन्युफैक्चरिंग के अकॉर्डिंग एक्ट जो बनाई गई थी, इक्विपमेंट्स का कोई होता है, तो सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग दो टाइप का वहां पे कैटेगरी बनाई गई थी, एक सर्विस की और एक मैन्युफैक्चरिंग की, ठीक है। तो वो जो एक्ट है वो इंडिया में कब बनी थी, तो इसका राइट आंसर है 2006 में ये एक्ट बनी थी। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में मिनिमम सपोर्ट प्राइस पूछा है, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, ये आपको एक से करंट ईयर का और पिछले साल का, दो साल का आपको याद रखना है एमएसपी। तो यहां पे ग्राम का पूछा गया है कि ग्राम का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, ठीक है, वो 2018-19 में कितना है, ठीक है, तो ग्राम का जो है वो है 4620 रुपए, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखना चाहो तो ये है वीट का, ठीक है, जो है, और ग्राम एक इंपोर्टेंट पल्स क्रॉप है, अगर ज्यादा नहीं तो आप
कम से कम 7-8 ऐसी क्रॉप हैं जिनका आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में यह पूछा गया कि इनमें से कौन सा ऐसा फ्रूट, यहां पे ट्री नहीं यहां पे क्रॉप है, ठीक है, यहां पे इनमें से कौन सा ऐसा फ्रूट क्रॉप है, ठीक है, जिसकी प्रोडक्शन जो है वो सबसे लीस्ट रही है, ठीक है, 2017-18 में सबसे जो है उसकी प्रोडक्शन है वो लीस्ट रही है। अब देखिए इस टाइप का अगर आता है तो इसमें ऑप्शन में अगर आपको ये वाला मिलता है तो ऑप्शन में देखिए आप तीन तो इसमें आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। मैंगो को एलिमिनेट कर दिया, बनाना को एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि देखिए ये तो सब टॉप मोस्ट प्रोडक्शन वाले आ गए ना, ठीक है, और स्वीट ऑरेंज। और एग्जामिनर आपको 2 से 3 ऑप्शन ऐसे देता है, अगर वो क्वेश्चन हटके आता है तो उसमें से 2 से 3 ऑप्शन ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल एलिमिनेशन की प्रोसेस से आप उसे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हर टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है, हर टाइप का। तो इसमें तीन अगर निकाल दिए तो यहां पे जैक फ्रूट और लीची, इन दोनों में आप यहां पे 50% प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो यहां पे जो राइट आंसर है वो है लीची। अगला क्वेश्चन है, ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पूछा गया कि फ्रूट के जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे एप्पल की कौन सी कैटेगरी है। ठीक है, तो वो है पॉम। ठीक है, आप सबको पता ही होगा एप्पल एक पॉम होता है, फेसेड ऑन द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। जो ड्रूप, जो अगर ड्रूप का देखे तो मैंगो हो गया, बेर हो गया, कोकोनट हो गया, कॉफी हो गया। ठीक है, और बेरी का एग्जाम्पल यहाँ पे देखे तो बनाना हो गया, पपाया हो गया। ठीक है, ये सब बेरी के टाइप में आते हैं। नट में कैशो नट आ गया, ठीक है, लीची आ गया, और बात आता है पीपो बीप में जितनी भी हमारी कुकरबिट्स हैं वो वाली आ जाती हैं। ठीक है, और कुकरबिट्स, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि मॉलिब्डेनम का ट्रू सोर्स कौन सा है, ट्रू सोर्स कौन सा है, तो वो है ओलिवाइन। ठीक है, ओलिवाइन जो होता है मॉलिब्डेनम का होता है, जो टूरमेलाइन होता है ये होता है बोरॉन का। ओके, एपाटाइट फास्फोरस और डोलोमाइट कैल्शियम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। इसमें ये वाले टेबल, ये 2 क्वेश्चन लगातार और 1 क्वेश्चन बाढ़ में, ठीक है, 1 क्वेश्चन नैनीताल बैंक में भी ऐसे एक टेबल आने लगे जो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होते हैं लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा इनको लगाने में ये आसानी भी हो जाती है और ये इजी भी होता है। इसमें देखिए, इसमें इंडिकेटर प्लान लगाने हैं तो मॉलिब्डेनम का आप सबको पता होगा कॉलीफ्लावर है, ठीक है, सिट्रस है, लेग्यूम्स है, ये सब मॉलिब्डेनम्स के हैं, इंडिकेटर है। ठीक है, और कॉपर का ये है वीट। ठीक है, वीट, मेज और बार्ले, ये दोनों हैं, ये दोनों कॉलम, ये वाला कॉलम भी करेक्ट है और ये वाला कॉलम भी करेक्ट है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास 1 और 2। ठीक है, बी, और जो फॉस्फोरस का है ये है रॉन्ग। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है कि इनमें से कौन सा सॉयल ऑर्डर का पूछा गया है कि ऑर्गेनिक सॉयल ऑर्डर है। ठीक है, तो वो है हिस्टोसॉयल। हिस्टोसॉयल ऑर्गेनिक सॉयल का ऑर्डर है। जो ऑक्सीसॉयल है ये ट्रॉपिकल रीजन में पाई जाती है और जो उल्टी, ये जो उल्टी सोयल है ये पाई जाती है लो न्यूट्रिएंट एंड फॉरेस्ट, ये लो न्यूट्रिएंट होती है और ये फॉरेस्ट सोयल में पाई जाती है, फॉरेस्ट सोयल में पाई जाती है। और अरिडो सोयल का आप सबको पता है, नाम से पता चल रहा है, एरिड मतलब डेजर्ट, डेजर्ट वाला, ये ऑर्डर डेजर्ट सोयल में पाया जाता है। ठीक है, अगला, अगले में सीधा सीधा ये पूछा गया कि डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय द ग्रीन लीफ हॉपर इन राइस। राइस में ग्रीन लीफ हॉपर के द्वारा कौन सी डिजीज ट्रांसमिट होती है, तो वो होती है टुंग्रो डिजीज। ये वायरस डिजीज है, टुंग्रो वायरस। ठीक है, ये ग्रीन लीफ हॉपर के द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है राइस में। ठीक है, चलिए अगला बॉटम हीट टेक्निक। बॉटम हीट टेक्निक बेसिकली क्या होती है कि प्रोपेगेशन करने के लिए सॉयल का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है, नाम से पता चल रहा है बॉटम हीट। विदाउट एयर के टेम्परेचर इंक्रीज किए बिना सोयल का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है, उस टेक्निक को कहते हैं बॉटम हीट टेक्निक। तो ये किस में अडॉप्ट की जाती है, ये की जाती है मैंगो में। चलिए टोस्पो वायरस का है कि टोस्पो वायरस जो है ये बड निक्रोसिस कॉज करता है ग्राउंड नट में। ठीक है, तो ये ट्रांसमिट, इसका वेक्टर पूछा गया है कि ये ट्रांसमिटेड किसके द्वारा होता है, तो ये थ्रिप्स, थ्रिप्स के द्वारा, इसका जो वेक्टर है वो है थ्रिप्स और थ्रिप्स के द्वारा ये ट्रांसमिट होता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें फ्लैज समेट डिजीज का पूछा है कि ये बिल्कुल वीट का है। ठीक है, क्योंकि अगर डिजीज याद करनी है तो इंपॉर्टेंट की तो आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें फ्लैज समेट डिजीज का पूछा हुआ है, इसका राइट आंसर है यूरोसाइस्टिस ट्रिटिकी। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि इस टाइप के जैसे एक पूरी, एक पूरे लाइनर जो है सिम्टम होते हैं इसके, लाइनर ये स्पेट बन जाते हैं। ठीक है, ये पूरे पूरे ब्लैक हो जाते हैं, इसमें जो टिश्यू जो होता है प्लांट का वो बाद में पूरा एक रस्ट मतलब समट जो बन जाती है। ठीक है, ये बेसिकली फ्लैट समट, ब्लैक मासेस ऑफ स्पोर्स, ये पूरे पूरे स्पोर्स ब्लैक मास का हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा रूट डेप्थ के ऊपर। ठीक है, इनमें से कौन सी ऐसी क्रॉप है जिसका, जो क्रॉप की मीडियम रूट डेप्थ क्रॉप है, तो वो है कोकोनट। ठीक है, इसकी जो डेप्थ होती है वो मीडियम होती है। तीन टाइप की मतलब यहाँ पे रूट डेप्थ होती है, एक होती है शैलो, एक मीडियम और एक होती है हमारी डीप।
ठीक है, जो शैलो होती है वो होती है 30-60 सेंटीमीटर तक, ठीक है, और जो मीडियम होती है वो होती है 50-100, और जो डीप वाली होती है वो होती है 90-150 सेंटीमीटर, ठीक है, ये वाली होती है। तो यहाँ पे मीडियम का पूछा गया, तो मीडियम है कोकोनट, ठीक है, वीट जो है ये है डीप रूटेड, ठीक है, राइस है शैलो रूटेड, सिट्रस है डीप रूटेड, और पोटैटो है शैलो रूटेड, ठीक है, पोटैटो और राइस ये दोनों शैलो रूटेड है, सिट्रस और वीट डीप रूटेड है, और कोकोनट मीडियम रूटेड है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है, वाटर स्ट्रेस के लिए हाईली सेंसिटिव कौन सा यहाँ पे प्लांट है, कि वाटर स्ट्रेस का सबसे ज़्यादा जो हाईली सेंसिटिव जो है वो है सनफ्लावर, सनफ्लावर के साथ टमाटो, ये दो क्रॉप ऐसी हैं कि जो सबसे ज़्यादा जो हाई सेंसिटिव हैं वाटर स्ट्रेस के, तो दो क्रॉप यहाँ पे ये वाली हैं। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें हाईली सेंसिटिव पूछा गया है कि हाईली सेंसिटिव है सोडिक टू अल्कली सोयल, ठीक है, एग्जाम में अकेला अल्कली है या सोडिक है एक ही बात है, ठीक है, ये एक ही बात होती है, तो यहाँ पे हाईली सेंसिटिव पूछा गया है, ठीक है, तो हाईली सेंसिटिव जो है वो है काउपी, ठीक है, जो टॉलरेंट होता है, जो सबसे टॉलरेंट करते हैं वो शुगर बीट और बरमुंडा ग्रास, ये दोनों टॉलरेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे हाईली सेंसिटिव है, ठीक है, यहाँ पे टॉलरेंट को लो सेंसिटिव भी कह सकते हैं, ठीक है, लो सेंसिटिव भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा भी घुमाना हुआ तो लो सेंसिटिव या हाईली टॉलरेंट एक ही बात है, ठीक है, या यहाँ पे हाईली सेंसिटिव टू लो टॉलरेंट, ये दोनों एक बात है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में इंटरमीडिएट लेयर पूछा है कि मटेरियल जो लीजेड आउट होता है, ठीक है, अपर लेयर से, तो इंटरमीडिएट जो इंटरमीडिएट लेयर है उसको क्या कहते हैं, तो उसका है होरिजन ऑफ द इल्यूविएशन, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है, होरिजन ऑफ द इल्यूविएशन, ये रहा यहाँ पे, जैसे ही कोई ऊपर का जो कोई भी लेयर है, ठीक है, ये वाले जो लेयर से जब मटेरियल को लीजेड आउट होता है तो ये वाला जो इंटरमीडिएट लेयर होती है इसे हम कहते हैं होरिजन ऑफ द इल्यूविएशन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे उस इंटरमीडिएट लेयर का नाम पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में फर्टिलाइजर में पूछा है कि ट्राई कैल्शियम जो फॉस्फेट फर्टिलाइजर है, ठीक है, वो इनमें से कौन सी है, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर इज अ ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर, तो इसका राइट आंसर है रा बोन मील, ये इनसोल्युबल होती है, ठीक है, दो टाइप की ये होती है, एक होती है रा बोन मील और दूसरी होती है रॉक फॉस्फेट, ठीक है, रॉक फॉस्फेट, जो रॉ बोन मील होता है, ठीक है, इसमें जो फॉस्फेट की परसेंटेज होती है वो होती है 20-25% तक, ठीक है, और जो ये वाला होता है रॉक फॉस्फेट, इसमें जो परसेंटेज होती है वो होती है 30-40%, ठीक है, ये वाले में रॉक फॉस्फेट में ज़्यादा परसेंटेज होती है, इसमें कम होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसके अगर क्वेश्चन को दिखने में ये बड़ा लग रहा है लेकिन आप अच्छे से पढ़ोगे तो इसको आप आराम से हैंडल कर पाओगे। इसमें क्या है, देखिए आराम से पढ़िए, अब ब्लैक निक्रोसिस, ठीक है, बेसिकली निक्रोसिस क्या होता है, जब कोई सेल की डेथ हो जाती है उसे हम कहते हैं निक्रोसिस, मोस्टली जब सेल की डेथ हो जाती है, ठीक है, उस केस में कहते हैं हम निक्रोसिस। ओके, तो यहां पे देखिए, यहां पे पेरिनियंथ क्या है कि जैसे कोई अपर पार्ट, ठीक है, जो बाहर वाला पार्ट होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं पेरियंथ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि अ ब्लैक निक्रोसिस स्प्रेड, ठीक है, एक ब्लैक निक्रोसिस स्प्रेड फ्रॉम द पेरियंथ इनटू द टिप ऑफ इमेच्योर फिंगर, ठीक है, जैसे बनाना की जो फिंगर है, ठीक है, जो ये वाली जो इमेच्योर बनाना उसे फिंगर भी कहते हैं, ठीक है, जैसे ये बनाना है, ये वाली इमेच्योर है, ये देखिए पूरी पूरा ग्रीन बनाना है हमारे पास। अब यहाँ पे इसने ये बोला है कि ये जो टिप है यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे टॉप पे स्प्रेड हो जाता है, ठीक है, पेरियंथ से बाहर से आते हैं, यहाँ पे टॉप पर जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पे ये पूरी स्प्रेड हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा कि जैसे पूरा रॉटर जैसे कंडीशन हो जाएगी, जैसे ये रहा पूरा का पूरा जो पोर्शन है वो पूरा रॉटर दिखाई देगा, इमेच्योर में ही सारे के सारे बनाना ऐसे हो जाएंगे, ठीक है, और इसमें यहाँ पे बोला है कि ये दिखेगा लाइक ऐश ऑफ सिगार, ठीक है, ऐश ऑफ सिगार, सिगार की ऐश की तरह ये वाला पोर्शन हमें दिखाई देगा, ठीक है, तो ये वाली डिजीज को हम कहते क्या है, देखिए यहां पे देखिए सिगार एंड रॉट, एंड का मतलब ऊपर वाला हिस्सा, रॉट, रॉट का माने वो चीज जैसे डिके हुआ पोर्शन, ठीक है, या डिकम्पोज कोई पोर्शन हो जाता है उसे हम कहते हैं रॉट, ठीक है, तो एंड वाला पोर्शन जो देखिए सिगार, तो ये नाम से ही इसका पता चल रहा है क्योंकि यहां पे इसने टिप की हिंट दे दी थी, ठीक है, द टिप, ठीक है, तो इसका मतलब है एंड वाला पोर्शन, इसी के ये देखिए यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर है सिगार एंड रॉट। अगला क्वेश्चन है इंग्लिश पोल्ट्री ब्रीड के ऊपर है, ठीक है, कि इंग्लिश पोल्ट्री ब्रीड है, इनमें से कौन सा ऐसा ब्रीड है जो इंग्लिश पोल्ट्री ब्रीड की कैटेगरी में आता है, इंग्लिश टाइप की कैटेगरी में आता है, तो इसका राइट आंसर है सुसेक्स, ठीक है, और ये जो लेगहॉर्न है और मिनोरका है, ठीक है, ये जो मिनोरका है और लेगहॉर्न है ये मेडिटेरियन टाइप होते हैं, और ब्रह्मा जो है ये है एशियाटिक, इसके नाम से पता चल रहा है ब्रह्मा तो एशियाटिक, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि ब्रॉलर का बताया गया है कि ब्रॉलर में जो है वो मार्केटेबल जो उसकी एज है वो कितनी होती है, कि वो कितने एज में उसे मार्केट में हार्वेस्ट कर लिया जाता है और मार्केट में सेल कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 6 to 8 वीक। ठीक है, 6 to 8 वीक को आप 42 से 65 डेज भी कह सकते हो, 65 डेज। अगर थोड़ा सा घुमाता भी है तो आपको डेज भी वहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, ओके, चलिए